आज सावन दैया जी की 28वीं पुण्यतिथि है। आपका जन्म 10 अक्टूबर 1958 में हुआ, निधन 30 जुलाई 1992 में। सावर दैया शिक्षा विभाग में शिक्षक के रूप में काम करते हुए व्याख्याता हिंदी से प्रधानाध्यापक और उसके बाद जीवन के अंतिम वर्षों में शिक्षा निदेशालय प्राथमिक एवं माध्यमिक विभाग के प्रकाशन अनुभाग में उप जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए सिवरा और नया शिक्षक के संपादक रहे और 44 वर्ष की आयु में आपका निधन हुआ। आपने बीएड एमए की हिंदी साहित्य में, गुजराती भाषा में डिप्लोमा डेकन कॉलेज पुना से किया। पेशे से शिक्षक रहे श्री सावर दैया ने शिक्षक जीवन और शिक्षण व्यवसाय से जुड़ी बेहद मार्मिक कहानियां लिखी जो एक दुनिया महारी कहानी संग्रह में संकलित है। आधुनिक कहानी को आप बहुत गरिमा प्रदान करते हैं, प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में माने जाते हैं। राजस्थानी में संवाद कहानियों के लिए भी श्री सावर दैया का नाम उल्लेखनीय है। आपने जापानी हाइकू का सूत्रपात किया, वही नई कविता के लिए भी उल्लेखनीय योगदान माना जाता है। प्रयोग के रूप में कविता के क्षेत्र में गजल नुमा कविताओं को पंचलड़ी नाम दिया। राजस्थानी भाषा में व्यंग को विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले व्यंग लेखक के रूप में भी आप चर्चित रहे। 51 व्यंग नाम से पुस्तक बहुत लोकप्रिय हुई। आपकी कुछ पुस्तकें जीवन काल में प्रकाशित हुई, कुछ जीवन काल के बाद। जीवन काल में 10 पुस्तकें प्रकाशित हुई, असवाड़े पसवाड़े कहानी संग्रह, मनगत कविता संग्रह, काल और आज रे बिचे कविता संग्रह, दर्द के दस्तावेज हिंदी गजल संग्रह, आखरी औकात हाइकू संग्रह, धरती कत्ते घुमेली कहानी संग्रह, एक दुनिया मारी कहानी संग्रह, आखरी आंसू कविता संग्रह, एक ही जिल्द में कहानी संग्रह, एक फूल गुलाब का हिंदी में बाल साहित्य की पुस्तक, उक्रास नाम से कहानी संकलन संपादित किया राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के लिए। बाद में जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उनके नाम इस प्रकार है: हुए रंग हजार कविता संग्रह, उस दुनिया की सैर के बाद हिंदी कविता संग्रह, आ सदी मिजड़ी भरे पंचलड़ी कविताओं का संग्रह, 51 व्यंग पोथी जिसी पोथी संवाद कहानियों का संग्रह, स्टेच्यू नाम से एक निबंध संग्रह जो अनिल जोशी के गुजराती निबंधों का राजस्थानी अनुवाद साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुआ, एक दुनिया मारी का अनुवाद, एक दुनिया मेरी भी हिंदी कहानी संग्रह अनुवाद के रूप में साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुआ, और 2018 में श्री बुलाकी शर्मा के संपादन में उनका कहानी संग्रह छोटा छोटा सुख दुख प्रकाशित हुआ। आपको जीवन काल में राजस्थान साहित्य अकादमी संगम उदयपुर, मारवाड़ी सम्मेलन बम्बई, राजस्थानी ग्रेजुएट नेशनल सर्विस एसोसिएशन बम्बई, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर और साहित्य अकादमी नई दिल्ली से 1985 में एक दुनिया मारी कहानी संग्रह के लिए पुरस्कृत किया गया। उसके बाद नगर विकास न्यास बीकानेर से टेसिटोरी गद्य पुरस्कार और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर से गणेशी लाल व्यास उस्ताद पद्य पुरस्कार हुए रंग हजार कविता संग्रह पर दिया गया। उनकी रचना का विचारों का एक अंश, मैं चाहता हूं मैं अपने आसपास बिखरी दुनिया में से विषय को चुनने वाली आंख के सहारे शब्दों की यात्रा करता चला जाऊं। अपने पूर्ववर्ती लेखकों द्वारा रची दुनिया में मैं भी कुछ जोड़ सकूं, एक बहुत छोटा हिस्सा ही क्यों ना हो वह, लेकिन हो। इतना कुछ कह चुकने के बाद यदि मेरी रचना में वह नहीं है तो फिर अपनी धारणाओं की व्याख्या का क्या अर्थ रह जाता है। अंतोगत्वा रचना को ही रहना है, रचना के माध्यम से ही हम किसी को पहचानते हैं, अर्थात रचना ही पहचान बनाती है। एक कविता से इस कार्यक्रम का आरंभ करता हूं मैं ना सही मेरी जगह मेरा रचा तो रहा, मैं ना सही मेरी जगह मेरा रचा तो रहा, चलो अच्छा है इसी बहाने मैं कुछ बचा तो रहा।